इंतजाम किया गया है। रमजान के पहले कई जिलों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की शिकायतों का सरकार ने संज्ञान लिया है, लेकिन साथ ही इस पर सियासत भी होने लगी है। कि अवैध रूप से तीव्र गति से उत्तर प्रदेश सरकार और अदालतों के द्वारा जो आदेश दिया गया था कि अवैध रूप से जो साउंड बढ़ा करके लाउड स्पीकर लगा करके जो ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको तकलीफ हो रही है, इनकी साउंड लिमिट कम की जाए, और अगर नहीं कम करती है तो हिंदू महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां हमारे बड़े बड़े मंदिर है वहां लाउड स्पीकर तीव्र गति से बजवाने का काम करेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा कहना है कि वो समानता के आधार पे जो एक साउंड की लिमिट है वो सभी पे लागू कराए। मैं अपने उलमाओं से और मुस्लिम आवाम से ये कहना चाहता हूँ, अजान फर्ज है, माइक फर्ज नहीं है। माइक एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और हमारी जो शरीयत है वो ये कहती है कि अगर हमारा पड़ोसी अगर रात में भूखा है तो उस रात का खाना मुस्लिम समाज के ऊपर मुसलमानों पर हराम है, हमारी शरीयत यहाँ तक कहती है। और माइक जब हम रोज़ा रखते हैं तो रात में 3 बजे उठते हैं और लोगों को सहरी के लिए जगाते हैं, फिर अजान का बीच बीच में भी हम बोलते रहते हैं कि उठिए और सहरी करिए, रोज़े का वक्त ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद हम अजान देते हैं। लगभग ये प्रक्रिया 1 घंटा चलती है। अब हमको ये सोचना है कि जो हमारे इस भारत में जो सनातनी भाई हैं या ईसाई भाई हैं या सिख भाई हैं, अगर उनके मोहल्ले में मस्जिद है तो उनको कितनी तकलीफ होती है, उनको नींद में खलल होती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार